नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से ZX न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भारत और फिलीपींस के बीच में से। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी और इसी के साथ ही फिलीपींस के जो विदेश मंत्री हैं टियोड्रस लोकसिन जूनियर, उन दोनों के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई है और ये वर्चुअल मीटिंग चाइना की रातों की नींद उड़ा देने वाली है। दोस्तों इस मीटिंग में बहुत बड़े फैसले और बहुत बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस मुद्दों के ऊपर जो चर्चा की गई है इस चर्चा से चाइना की रातों की नींद उड़ सकती है। गूगल मैप से आपको बताएंगे आज क्या आखिरकार क्या बातें निकल कर आई हैं, क्या बातें बोली गई हैं। दोस्तों यह प्यारा भारत और इसी के साथ ही यहां पर साउथ चाइना सी के ही एक इलाके में है, यहां पर फिलीपींस, और फिलीपींस का जो इलाका है बिल्कुल चाइना के सामने लगता है। हालांकि फिलीपींस ने 2019 में भारत को कहा था कि हमें 2 बैटरीज चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल की ताकि हम अपने तटों की रक्षा कर सके, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस आने के कारण जो ब्रह्मोस की डील थी और बातें थी भारत और फिलीपींस के बीच में रुक गई। लेकिन फिलीपींस ने अभी हाल ही में बहुत बड़ा ऐलान किया है साउथ चाइना सी को लेकर कि अपने वो तटों के इलाके और इसी के साथ फिलीपींस का जो एरिया है साउथ चाइना सी में, वहां पर तेल की खोज के लिए अब जो मिशन है वो शुरू करेगा। और दोस्तों तेल की खोज होगी तो यहां पर जाहिर सी बात है कि चाइना के साथ उसका टकराव भी बढ़ेगा। यही कारण है कि फिलीपींस और भारत के बीच में ये जो एक विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई है बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है। दोस्तों भारत ने यहां पर फिलीपींस के साथ मैरीटाइम और डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर बातचीत की है और भारत ने कहा है कि हम आपको फिलीपींस को यहां पर चाइना के अग्रेशन से निपटने के लिए मदद कर सकते हैं। भारत ने यहां पर क्या कहा है, भारत ने कहा है कि हम आपको एक कोस्टल डिफेंस मैरीटाइम सिस्टम दे सकते हैं जिससे आप अपने तटों की रक्षा कर सकते हैं और इसी के चलते आपको अपनी भारत की बेहतरीन कोस्टल रडार आपको हम देने वाले हैं और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं तो भारत की रडार ले सकते हैं, एक ऑफर भारत की सरकार ने किया है। दोस्तों फिलीपींस यहां पर तटीय इलाका होने के कारण चाइनीज शिपें भी फिलीपींस के इलाकों में घुस जाती हैं और यहां पर फिलीपींस के इलाकों में मछलियां पकड़कर चली जाती हैं। लेकिन यहां पर अब फिलीपींस तेल की खोज के लिए काम करने वाला है तो जाहिर सी बात है कि चाइना यहां पर फूटी आग भी फिलीपींस को नहीं सुहाने वाला है और इसी के साथ ही दोनों के बीच में अग्रेशन दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि भारत और फिलीपींस यहां पर तैयारी कर रहे हैं कि कल को जिस तरीके से लद्दाख के क्षेत्र में चाइना ने अग्रेशन दिखाया था उसी तरीके का अग्रेशन साउथ चाइना सी में ना हो और इसी के साथ ही इंडो पैसिफिक के क्षेत्र को एक बिल्कुल सिक्योर रखा जाए। हालांकि अमेरिका भी यहां पर बहुत एक्टिव है, फिलीपींस में पहले अमेरिका का बेस हुआ करता था लेकिन फिलीपींस ने यहां पर मना कर दिया है कि हमें अमेरिकी बेस नहीं चाहिए, तो इसी की कड़ी में अमेरिका से मदद भी फिलीपींस ले सकता है। लेकिन फिलीपींस यहां पर सक्षम बनने की ओर ज्यादा कदम उठा रहा है। दोस्तों ये मीटिंग भारत और फिलीपींस के बीच जो हुई है इससे फिलीपींस के तटीय इलाकों को सुरक्षा देने के लिए भारत के साथ ये बहुत बड़ी बातचीत हुई है और इसी के साथ भारत और फिलीपींस के बीच ये भी बात हुई है कि कल को अगर कोई युद्ध होता है तो उस सिचुएशन में जो इंफॉर्मेशन है दोनों ही देशों के बीच में आदान प्रदान हो सके। और इसी के साथ ही फिलीपींस यहां पर साउथ चाइना सी में एक बहुत ही बड़ा रडार के चलते और इसी के साथ अपनी डिफेंस इक्विपमेंट के चलते भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकता है। अगर भारत चीन के बीच में युद्ध होता है तो यहां पर कौन से शिप आ रहे हैं, क्या हो रहा है साउथ चाइना सी में, तो उस सिचुएशन में फिलीपींस भारत की मदद बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है। यहां पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत भी फिलीपींस की बहुत बेहतरीन तरीके से मदद कर सकता है क्योंकि बड़ा देश होने के कारण एक इंटरनेशनल प्रेशर भी चाइना के ऊपर जाता है, इसीलिए दोनों देशों के बीच ये मीटिंग चाइना की रातों की नींद उड़ाने वाली है। दोस्तों आपका इस मीटिंग के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में राय का जाहिर कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।